हाँ कर दो कर दो। यस यस यस, हम लोग इस प्रोजेक्ट में भी कंपटीशन कर सकते हैं। यस बाय द वे, कंसाइनमेंट आया हुआ है, जल्दी से जल्दी भिजवा दो। ओके बाय। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग राजा, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ये हैं हमारे शिपिंग प्रोजेक्ट्स के पेपर्स जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से ओके हो गए। वाओ गुड राजा। माना आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन गलती से कभी ऑफिस आ जाए कीजिए। अनिल जी, रोशनी के कुछ अरमान है, नई नई तमन्नाएं हैं, आप तो समझ सकते हैं ना। हाँ मैं समझता हूँ, शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं रोशनी को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बात है, बड़ी नसीब वाली लड़की है रोशनी, जिसे तुम जैसा प्यारा पति और ये इतना अच्छा घर मिला है जिसमें उसका हर ख्वाब और सपना पूरा हो जाएगा।
भोला कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। अच्छा अच्छा, मेम साहब कहाँ है? मेम साहब अंदर ही है। तुम जाओ। ठीक है सर। बनाने वाले ने तुम्हारी रंगत और देने वाले ने तुम्हारा नाम रोशनी बेवजह नहीं रखा है। यही वजह रही होगी कि जिसकी जिंदगी में तुम आओगी उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर दोगी। और मैं कितना खुश नसीब हूं कि रोशनी मेरे पास है, मेरी है, मेरी है। जिस तपिश की आग में तुम मुझे पिघलाना चाहते हो वो तुम्हारे लिए प्यार होगा प्यार, लेकिन मेरे लिए हवस है हवस। अरे औरत इतनी कठोर नहीं होती, मर्द उसे प्यार करने की कोशिश करे तो वह खुद ब खुद एक बर्फ के टुकड़े की तरह पिघलने लगती है और वो औरत उस प्यार को सहारा बना लेती है। आपकी तरफ देखकर मुझे तरस आता है, बेवजह आप अपने गुरूर में पल रहे। मैं आपकी बीवी हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर रजामंद नहीं हूं तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। तुम दावेदार हो मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हो सब कुछ, मिटा सकते हो अपने भड़ास। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम जबरदस्ती कर सकते हो। मुझे एहसास होता है कि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, भीख। प्यार होगा प्यार, प्यार होगा, लेकिन मेरे लिए हवस 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 हवस। आप दावेदार हैं मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हैं उसे, मुझे तरस आता है, बेवजह आप अपने गुरूर में पल रहे हैं। आप दावेदार हैं मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हैं उसे, चाहती तो तुम भी वही हो जो मैं चाहता हूं। जितनी आग मेरे अंदर है उससे ज्यादा आग तुम्हारे अंदर है। जितना मैं जल रहा हूं उससे ज्यादा तुम जल रही हो। जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मनवाया है उसी तरह तुम मुझे अपना पति मनवाना चाहती हो। आग को आग से, जिद को जिद से, अहंकार को अहंकार से पूरा करना चाहती हो। हम दोनों के अरमान एक ही है,
और वो पूरे होंगे लेकिन तुम्हारे तरीके से। हंस क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती ही करनी थी तो इतने दिन क्यों बर्बाद किए?